रोलिंग है। तो सर आपने बंटी और बबली 2 देखा, किस तरह की फिल्म लगी आपको? बंटी बबली 2 मतलब कि ये सीक्वल है, 2007 के अच्छे में आई थी। अभिषेक बच्चन रानी मुखर्जी, मतलब जो एक्सपेक्ट था मूवी से वैसा खरी नहीं उतरी। किस तरह की कमी आपको नजर आई? कमी देखिए, शुरू जब मूवी स्टार्ट होती है ना, 20 से मतलब आधा घंटा पकड़ के चलो आप, आधा घंटा मूवी सही चलती है, लेकिन उसके बाद फिर मूवी स्लो हो जाती है। फर्स्ट हाफ में फिर इंटरवल हो जाती है, फिर सोचा कि सेकेंड हाफ कुछ अलग देखने को मिलेगा। फिर सेकेंड हाफ जैसे स्टार्ट होता है मतलब स्लो चल रही है, तो चलिए एंड तक स्लो ही चलती है। कुछ फनी मतलब क्या, जो भी शुरू में आधा घंटा हंसने को मिला, उसके बाद मतलब कि स्माइल आया ही नहीं चेहरे पर। रानी मुखर्जी का काम ओके ओके है, सैफ अली खान जो लेने की जरूरत ही नहीं। और जो नए दो एक्टर सिद्धार्थ और सरवरी, उनका काम ठीक है, ठीक ठाक लगा मेरे को। बाकी सबसे इंटरेस्टिंग करेक्टर इसमें था पंकज त्रिपाठी, बोले तो अगर जब जब स्क्रीन पर आए हैं थोड़ा चेहरे पे स्माइल देखेंगे। और बताना क्या चाहेंगे सॉन्ग के बारे में? सॉन्ग सब बेकार थे, जो अच्छे सॉन्ग का टैटू वाला एंड में डाला ही वो सॉन्ग अगर बीच में डालते तो ऑडियंस थोड़ा एंजॉय भी कर पा लो, मूवी खत्म हो गया, उसके बाद तो पब्लिक बाहर आ रही है। अच्छे सॉन्ग बाकी में डाले। और ये 5 out of 5 इस मूवी को दूंगा 2 स्टार। नीचे ही रोलिंग है। सो कैसी लगी फिल्म आपके बंटी और बबली 2? पहली बात क्या, जो मैं सोचा था मेरे हिसाब से किसी मूवी नहीं बनी, मैं सोचा था कुछ सूर्यवंशी के बाद बंटी बबली आएगी और पब्लिक खींच के लाएगी थिएटर तक, लेकिन नहीं। तो मेरे हिसाब से देखा जाए ये मूवी जो है पंकज त्रिपाठी जो है मतलब पूरे मूवी में जो है देखा जाए तो उनको ही देखने लायक है। थोड़ी बहुत कॉमेडी उन्होंने की है और सबको हंसाया है, और जिस तरीके से अभिषेक बच्चन के साथ जब रानी मुखर्जी ने किया था उस तरीके का मूवी नहीं बना, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले ही बोल चुका था कि सैफ अली खान जो है नहीं अभी जच रहे हैं। और पहला जो इंटरव्यू के पहले है ठीक है, कॉमेडी है, पब्लिक को पसंद आएगी, लेकिन जो सेकेंड इंटरव्यू के बाद जो चालू होता है जैसे लग ही नहीं रहा है कि वो बंटी बबली चल रहा है, एकदम स्लो है पब्लिक, मतलब ये नहीं है। 5 में से कितना स्टार है? 5 में से इसको तो एक्चुअली कोई स्टार देना ही नहीं चाहिए, लेकिन पंकज त्रिपाठी है उन्होंने थोड़ा, और ये जो दो लड़की जो है अभी जो हीरोइन जो है सरवर कुछ नाम है हाँ, और सिद्धार्थ, ये दो आने वाले टाइम पर जो है, और ये लड़की जो है काम की काबिल तारीफ है, और सेम टू सेम जो है रानी मुखर्जी से, तो मैं इस मूवी को जो है ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 स्टार दे सकता हूँ। बंटी और बबली की मूवी कैसी लगी आपको? ये जो मूवी अच्छी है, बट आई थिंक फर्स्ट इज बेटर। ओके, सो क्या कुछ आपका एक्सपेक्टेशन था और एक्सपेक्टेशन पर खरी उतरी कि नहीं? एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा था पर उससे थोड़ी सी कम, एक्सपेक्टेशन से कम। ओके, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस वाइज किसका लगा? और बेस्ट पार्ट क्या कुछ लगा इस मूवी में? आई थिंक मूवी कॉस्ट्यूम्स और मूवी की स्टाइलिंग काफी अच्छी है। ओके, सॉन्ग्स थे, ये सब के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे? सॉन्ग्स उतने खास नहीं है, फर्स्ट के बेटर। सो ये हिट होगा या फिर फ्लॉप होगा आपके ऊपर? फ्लॉप तो नहीं होगी, बट आई थिंक एवरेज बोल सकते हैं। ओके, आउट ऑफ 5 स्टार कितना दोगे आप? 2.5। थैंक यू। बंटी और बबली हिंदी और इंग्लिश? हिंदी। हां चलेगा, बोली हां। सो बंटी और बबली 2 देखा आपने, आपको कैसे लगी ये मूवी? ये बहुत जबरदस्त मूवी है, और ये पहले से ज्यादा जो बंटी बबली 1 है उससे भी सरकास, क्योंकि 4 है इसमें, इसलिए और अच्छा लगा। ओके, और मैं ये चलेगी, 110% चलेगी। ओके, सबसे बेस्ट पार्ट क्या कुछ लगा इस मूवी में आपको? उसमें जो ये लोग 4 जन लास्ट में मिले, बंटी और बबली लास्ट 2 और ये 2, इसे और अच्छा लगा। एक्सपेक्टेशन जो थी उस पर खरी उतरी है 100%। तो आपको क्या लगता है कि ऑडियंस को ये पसंद आने वाली है? हाँ, 100% आएगी, क्योंकि इसमें ऐसा लग रहा था कि ये लोग अभी सुधर गए, लेकिन 100% सुधरे नहीं, तो और भी अच्छा लगा। कॉमेडी वाइज कितना आपको पसंद आएगी? कॉमेडी बहुत अच्छी है। ओके, आउट ऑफ 5 स्टार कितना दोगे आप? मैं इसको दूंगी 4.7। थैंक यू। ये बोली, सो बंटी और बबली 2 देखा आपने, कैसी लगी आपको मूवी? मूवी लाइक जो पहला मूवी है जो छाप था शायद उसको मैच नहीं करता है ऑनेस्टली। जो अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन, अश्विनी राय के जो जो सॉन्ग ना, उसमें कुछ आइडन सॉन्ग है जो चेन्नई और ना अमिताभ बच्चन को है, वही जो मिस्टर त्रिपाठी करके जो पुलिस वाले का जो रोल है, जो अमिताभ बच्चन का जो खींच के लिखे गए। सेकेंड हाफ थोड़ा इंटरेस्टिंग था, जो अभी धाम अबू धाबी में गए थे
फिर उसके बाद जो लाइक ज़्यादा के पिक्चर में कुछ है नहीं ऐसा दिख रहा है। एक्सपेक्टेशन बहुत बहुत लो है विक्रम, यू हैव टू डू द होमवर्क यार, होमवर्क तुमने किया नहीं यार। पहले मूवी का जो हाई एक्सपेक्टेशन था वही मूवी और जो न्यू कास्ट है उनके बारे में क्या जो नए एक्टर है उन्होंने तो अपने आप को खुश तो किया है काफ़ी जहाँ तक उनका रोल है जो कॉमेडी जो सेकंड बाउंड्री और बबी का उन्होंने कोशिश किया है। बट बोलने ना स्क्रिप्ट कमज़ोर है भाई, तो कितना भी कुछ भी कर लो लेकिन आपका कुछ होने वाला है। पाँच टू एंड हाफ रोलिंग के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे? बंटी और बबली टू बहुत ही अच्छी मूवी है, बहुत अच्छा प्ले किया सबने एंड कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, नए नए कॉन्स देखने मिले, बहुत अच्छा मूवी, एडवांस वर्जन था। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। जो एक्सपेक्टेशन थी उस पर सारी उतरी है? यस डेफिनेटली डेफिनेटली, बहुत ही अच्छा। ओके परफॉर्मेंस वाइज सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसका लगा? इसमें न्यू कास्ट भी है, रानी है, सेफ है, क्या कुछ बताना चाहिए? रानी मुखर्जी इज रानी मुखर्जी, नो वन कैन रिप्लेस हर। बहुत ही अच्छा था, रानी मुखर्जी का भी अच्छा था, न्यू जो कास्ट है उनका भी बहुत अच्छा था डेफिनेटली, बट ओरिजिनल बंटी एंड बबली आर द बेस्ट। ओके सो इसमें क्या कुछ बेस्ट सीन लगा आपको? स्पेशल तो वो क्लाइमैक्स ही है जिसमें बहुत ही पूरा मूवी का चेंज हो जाता है, सो आई गेस क्लाइमैक्स बेस्ट था। और द फाइव स्टार कितने दोगे? 5 थैंक यू। एक दो आई उसमें कोई दम था। मुझे तो बंटी और बबली टू अच्छी लगी, थोड़ी इंटरटेनमेंट भी है और आज सुबह का 9 बजे का शो में भी 50-60 आदमी है तो कहना जायज होगा कि पिक्चर चलनी चाहिए क्योंकि दूसरा कोई इंटरनेट अभी है नहीं। सूर्यवंशी लगभग लोगों ने देख ली, दूसरी कोई मूवी है नहीं और घर में सब बोर हो गए, छुट्टियों के दिन आ रहे हैं। मतलब जिन्हें पसंद है बट फॉर माई चॉइस सॉन्ग मुझे उतने खास नहीं लगे।
ओके ऑडियंस के हिसाब से मतलब ये मूवी देखना चाहिए ऑडियंस को क्या आपको लगता है? मतलब वन टाइम वॉच है, डेफिनेटली वन टाइम वॉच है. और फिर अभी मूवीज भी नहीं है और सब लाइक एंटरटेनमेंट ढूंढते हैं तो एक बार तो देख सकते हैं. ओके सो ये मूवी हिट होगी या फ्लॉप होगी आपकी क्या राय है? अभी जैसे कि मार्केट में कोई है नहीं, उस मार्केट के हिसाब से देखें तो मूवी डेफिनेटली हिट होगी. और ऐसे अगर नॉर्मल डे में कंपटीशन में और ये में रहती तो थोड़ा सा नॉट सुपर हिट बट हिट तो डेफिनेटली. और अभी ये सुपर हिट भी हो सकती है मार्केट के अकॉर्डिंग. थ्री एंड हाफ, थ्री एंड हाफ. तो डेढ़ स्टार क्यों काटे आप? जस्ट बिकॉज ठीक है, स्टोरी उतनी वो नहीं है, सॉन्ग भी मुझे मतलब सॉन्ग की वजह से भी मैं काटूंगी.